देवरानी और जेठानी है, मैं जेठानी और ये देवरानी। आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही देवरानी जेठानी में। थैंक यू थैंक यू। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं मोहन जोशी जी गाना गा रहे हैं, और यहाँ जो है अभी लग रही है इंद्रपुरम के शिप्रा मॉल के ग्राउंड में लगा हुआ है। मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में। लोग मिले हैं अभी, ये कुमाऊं से और हम गढ़वाल से, कुमाऊनी गढ़वाली दोनों एक हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है भाई बहन, भाई बहन। हाँ तो अभी हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। तो आप कुमाऊं में वैसे हो? हाँ मैं कुमाऊं के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से, गरुड़ से हूँ मैं। अच्छा, और आप कहाँ से? मैं भी वहीं से हूँ, हम दोनों देवरानी और जेठानी है, मैं जेठानी और ये देवरानी। आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही देवरानी जेठानी में। थैंक यू थैंक यू। सभी बोलते हैं ऐसा। तो कैसा लगता है आपको, जैसे अपने उत्तराखंड की संस्कृति बाहर जाके होती है तो उसमें कैसे फील आती है आपको? बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे उत्तराखंड के लोग एक हो जाते हैं यहाँ पे, और जितने लोग हैं सब एक होके हमको लगता है कि यार हाँ उत्तराखंड का भी एक परिवार आ गया इधर, तो बहुत अच्छा लगता है। अपने पहाड़ से यहाँ आके रह रहे हैं, मजबूरी है हमारी ये, लेकिन देखो दिल तो पहाड़ों में बसता है हमारा भी। और आज इस मेले का इंतजार काफी दिनों से था हमें, तो हम लोग आज आए हैं। उत्तरायणी का मेला बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, सरयू के बगड़ में। और जो हमारे सिंगर आए हैं यहाँ पर, एक से एक कलाकार, ललित मोहन जोशी, फौजी लति मोहन जोशी, बहुत क्या गजब का उन्होंने वही गाने गाए हैं उन्होंने, जो हम जिससे हमें उम्मीद थी कि वही एक है। मेले के मजे ले रहे हो आप, मतलब जैसे घूमना फिरना खाना? जब से हम आए हैं 4 बजे से, तब से सिर्फ हम प्रोग्राम ही देख रहे हैं, अब हम मेला देखेंगे और तो रात को खाना भी ऐसे खा के जाएंगे। आ जाओ, हमने मडवे के मोमोज खाएंगे, और कोहब की दाल ले जानी है मुझे, भांग के दाने ले जाने, चटनी बनानी है। मैं चटनी बनाने के लिए, मुझे भांग खत्म हो गया है, मेरा 12 मास वही नमक चलता है। यस, बाकी हमको इस मेले में बहुत मजा आया, बहुत हमने बहुत इंजॉय करा, बहुत डांस करा, आपने देखा होगा। बाकी आप जितने भी चैनल पे नए हो इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, ठीक है। और ये दो है, ये हमारा मजाक बना रहे तब से, ये जो दो है ये जब से हमारा मजाक बना, ठीक है। छोटा सा यूट्यूब चैनल का मैंने शुरुआत की है भैया, और बेबे चिल्लाल ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो उनका आज ये बोल रहे कि मैंने अभी नया नया शुरू किया है अपना यूट्यूब चैनल, तो खूब सारा प्यार दीजिएगा हमारे उत्तराखंड के भाई को। मैं तो चाहती हूँ हमारे उत्तराखंड के लोग खूब आगे बढ़े, हर चीज में, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपने ब्लॉग में लिया, देवरानी जेठानी को, थैंक यू सो मच। आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगी देवरानी जेठानी की। हाँ हम लगते नहीं है, लेकिन हम कैमरे में थोड़ी अच्छा रहना पड़ता है, लड़ते खूब है आप, लेकिन कैमरे में थोड़ी अच्छा लगना पड़ता है इसीलिए। मोहन जोशी जी से मिलने के लिए, और हमारे सामने ये खड़े हैं, अभी हम थोड़ी देर उनसे बात करते हैं, उनसे थोड़ी बहुत बातें करेंगे, ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, अभी बिजी हैं, तो मिल लेते हैं अभी उनसे भी। तो हम जो है आपसे ना बहुत पहले मिले थे, आपसे मिल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम वही जानकारी लेना चाहते हैं ना, आप जैसे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, जैसे यहाँ बाहर आके आप जो अपना प्रोग्राम करते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं वो बता दीजिए। मैं सबसे पहले तो 9 वर्ष और उत्तरायणी मकरणी महोत्सव की सभी को बधाई देना चाहूंगा, और नमस्कार करना चाहूंगा सभी उत्तराखंड प्रवासियों को। बहुत खुशी की बात है कि आज देश विदेश में हमारी संस्कृति काफी ऊंचे लेवल तक जा रही है, तो मैं आप सभी प्रवासी उत्तराखंड के, देश विदेश में रहने वाले, दिल्ली बॉम्बे जहां भी हमारे संस्कृति की झलकें दिखाई जा रही है, तो उसे हमें बहुत गर्व होता है अपनी संस्कृति को लेके, कि हम अपनी संस्कृति को देश विदेशों में उजागर कर रहे हैं, और इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। और एक सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज हमारे हर कल्चर को, हर दिल्ली के कोने कोने में
लोग अपने अपने स्तर से प्रोग्राम कर रहे हैं और अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें बहुत गर्व है कि अपने कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं। उसमें हमारे साथ साथ ही हमारी जनता जो है हमारा सहयोग कर रही है, इसके बढ़कर कोई खुशी हमें नहीं है। तो बहुत जी, जी आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं मैं कि आजकल जो है भू कानून और मूल निवास का मुद्दा चल रहा है, तो उस पे आप अगर आपको अपनी कोई राय देना चाहते हो, कोई नहीं है वो आप राय देना चाहते हो उस पे दे दीजिए। नहीं, मैं इसमें कोई राय नहीं देना चाहूंगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूं ऑलरेडी, तो मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहूंगा। थैंक यू। और तीन पहाड़ियों के नाम से चैनल है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इनके चैनल को और शेयर जरूर करिएगा, तो भाई को आगे सपोर्ट करिएगा, उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने में आपका विशेष योगदान है, तो थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ हैं सोहित, सोहित नाम है भाई आपका? शोभित गोसाई। अच्छा, तो भाई ना हमारे साथ काफी टाइम से इंस्टा पे थे, हम मतलब ग्रुप बनाया था भाई ने, उसमें बातचीत कर रहे थे और हम लास्ट टाइम मिल नहीं पाए थे, तो भाई आज हमें यहाँ कोथिक में मिले, इंद्रपुरम में जो उत्तरायणी मकरायणी का कोथिक हो रहा है यहाँ मिले हमें, तो भाई से जानते हैं कि भाई को यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। भाई मेरे ख्याल से यहाँ पे वॉलंटियर है। बिल्कुल, ये जो प्रवृत्ति है, जो संस्था है, ये हम लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम करवाया जाता है उत्तरायणी और मकरायणी। ये जो सबसे पहले तो जो हमारे यूथ से उनको ये पता होना चाहिए कि उत्तरायणी मकरायणी जो कार्यक्रम है वो क्यों मनाया जाता है। जब सूर्य जब भगवान होते हैं, जब सूर्य दक्षिणी से पश्चिम की ओर गोलार्ध होता है, तो उस ओकेजन पे हम जो उत्तराखंडी के लोग हैं वो गंगा स्नान करते हैं, तो उस गंगा स्नान के ओकेजन को जो उत्तराखंड के जो हम भाषा है हमारी, उसमें हम लोगों ने इसको उत्तरायणी और मकरायणी कुमाऊं में से उत्तरायणी कहते हैं और गढ़वाल में से मकरायणी करते हैं, जहाँ पे कुमाऊं के लोगों में इसमें भूत वगैरह बनती है और गढ़वाल में खिचड़ी बनती है। समाज के चार पिलर होते हैं, जो एक सबसे मेन पिलर होता है वो ये होता है कि जो आप ब्लॉगर्स वगैरह हो, क्योंकि आपके यहाँ पे अगर 100 लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपके माध्यम से 1000 लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं और वो कुछ रुचि रखते हैं। क्या बताना चाहोगे कि यहाँ 3 दिन का है, आप यहाँ पे आके विजिट करें, देख के जाए यहाँ पे? तो जितने भी हमारे उत्तराखंडी गढ़ कुमाऊं जौनसारी के भाई बंधु है, मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। कौन कौन आने वाला है उसके बारे में बताओगे? देखिए, कल जो मेन सिंगर है वो हमारे उत्तराखंड के कमल खत्री भान शान, जिन्हें हम जागर सम्राट के नाम से जानते हैं, प्रीतम भरद्वान जी आएंगे। उनके पास ऐसी एक वृत्ति है और एक ऐसी विद्या है कि वो अपने रोगों की थाल पे देवी देवताओं को नचा देते हैं, तो ऐसे प्रीतम सिंह भरद्वान जी है, उत्तराखंड के लोक चर्चित गायक है और राष्ट्रपति उनसे भी सम्मानित है वो। तो मैं यही दिल्ली NCR के लोगों से कहना चाहूंगा कि जरूर विजिट करें और अपने ज्यादा से ज्यादा लोग। तो आज मेरे साथ मेरे चाचा जी जुड़े हैं, इनका नाम दिलीप रावत है और ये भी जाने माने सिंगर हैं, ये भी गाने गाते हैं, तो आज मतलब उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे मिल जाएंगे, बट फिर भी हमें यहाँ पे मिल गए। सबसे पहले चाचा जी आपको नमस्कार, काफी दिन बाद मुलाकात हुई आपसे। बिल्कुल बेटा तेजू, बहुत बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा मुझे यार आप लोगों को यहाँ पे देख के, और इस तरह के कार्यक्रम दिल्ली में होते रहते हैं तो मुलाकात हो ही ना जाती कहीं ना कहीं, है ना? बिल्कुल। उत्तराखंड के लोगों को मेरा एक ही संदेश रहता है हमेशा कि भाई पलायन हो लेकिन एक तरफा ना हो, जो लोग पहाड़ों में हैं वो भी रह रहे हैं और जो लोग पहाड़ों से यहाँ आ चुके हैं, तो जो गाड़ी पहाड़ों से यहाँ आती है वही गाड़ी यहाँ से पहाड़ भी जाती है, तो समय समय पर अपने घर गाँव जरूर जाते रहिए, है ना? तो कौथिक का मतलब ही उत्तराखंड से है, यहाँ पर तो हम कितना भी कौथिक कर लें लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज होगी, लेकिन हमारे उत्तराखंड में जो कौथिक होते हैं उनका असली आनंद हमें उत्तराखंड में मिलेगा। तो संस्कृति गीत संगीत तो हम लोगों से अपनी संस्कृति से जुड़ने का एक माध्यम है, लेकिन वास्तव में हमारे देवी देवता, हमारे घर खेत खलियान सब उत्तराखंड में है। तो पलायन हो, रोजगार के लिए लोगों का देशों में आना, प्रदेशों में जाना भी जायज है, लेकिन जो लोग यहाँ आए हैं वो लौट कर वापस अपने गाँव जरूर जाएंगे। और चाचा जी आपने पलायन की बात करी है, आपको भी नॉर्मली पता आजकल एक मुद्दा पूरे उत्तराखंड में चल रहा है भू कानून को लेके और आपका जो चल रहा मूल निवास 1950 को लेके, तो अगर आप भी अपनी तरफ से कोई राय देना चाहते हो उस बारे में तो आप दे सकते हैं। तो उत्तराखंड के जितने भी कलाकार हैं, कलाकार संगठन सारा भू कानून के समर्थन में है, क्योंकि जब हम लोगों का अपना एक परिचय मांगा जाता है तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे खेत कहाँ है, हमारा घर क्या है, हमारा क्या, तो इसलिए 1950 का जो भी एक्ट है उसको एक बार हर कोई समझे, हर बच्चा समझे, बड़ा समझे और समर्थन करे इस चीज का। बस एक लास्ट ही आपसे, आप गाने गाते एक छोटे से गाने गाएंगे, लाइन गा के सुना लीजिए। जी बिल्कुल, मेरा ये गीत है दिलीप रावत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जरूर देखिएगा, विजिट कीजिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। राज राजेश्वरी नंदा मा, जय मा जय मा जय नंदा मा, जय हो, 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 जय हो
तो हम यहाँ पर अभी आए हैं बाहर जहाँ पर स्टॉल लगी हुई है उत्तराखंड की काफी, तो बट ये चीज हम अभी आपको नहीं दिखा सकते कि स्टॉल पर जाके विजिट करना क्योंकि अभी काफी भीड़ है। तो कल हम एक एक स्टॉल पे आपको विजिट करवाएंगे और आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा, मतलब थोड़ा नर्वस कह रहा हूँ, मतलब थोड़ी बॉडी ना ढीली पड़ रही है, बॉडी में बहुत पेन है तो इसलिए थोड़ा ये व्लॉग में मैं बोका मार रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी हम यहाँ पहुंचे, यहाँ पे आके हमने बहुत विजिट किया, अच्छा लगा पहला दिन अभी, और अभी हम घर जा रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और हमें भी अभी घर निकलना है टाइम से, तो हमें थोड़ा दूर जाना है। ओके, थैंक यू सो मच।